बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन। टुडे वी स्टार्ट द समर वेकेशन होमवर्क। आज हम फिफ्थ साइंस का समर वेकेशन का होमवर्क देखेंगे, जो आपने नोटबुक्स पे राइट करना है, ठीक है? तो काम में आसानी की दुआ पढ़ें और उसके बाद हम काम शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने ये पेज जो आपको मिला है, इसको आपने देखना है। हमने साइंस का काम शुरू करना है, तो उसके लिए हमने देखना है कि लर्न यूनिट 1A टू यूनिट 4, कि आपने जो काम लर्न करना है वो यूनिट नंबर 1 से 4 तक करना है, लेकिन जो रिटन वर्क है ना उसकी हम आज बात करेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है? इसको कैसे करना है, हमने सबसे पहले जो काम आपको दिया गया है उसका आपने इंडेक्स बनाना है, ठीक है? तो आपने अपने नोटबुक्स पे इसका इंडेक्स इस तरीके से बनाना है कि सबसे पहले आपने सीरियल नंबर राइट करना है, डेट का बॉक्स लिखें, और उसके बाद टाइटल एंड कॉपी पेज नंबर। सबसे पहले आपने सीरियल नंबर देना है कि आप क्वेश्चन नंबर 1 राइट कर रहे हैं, डेट जिस दिन काम लिख रहे हैं, टाइटल मतलब कि आपने ये लिखना है इसमें ये लेसन नंबर 1 से है या लेसन नंबर 2 है या यूनिट जो भी लिख दें आप। उसके बाद आप पेज नंबर मेंशन करें, फिर क्वेश्चन कैसे पेज नंबर 6 है, उस पर साइंस टिटबिट है। इसी तरह आपने इसका इंडेक्स बनाना है। फिर हम अपने काम को देखते हैं। सबसे पहले पेज नंबर 6 से साइंस टिटबिट, पेज नंबर 6 से हम देखते हैं साइंस टिटबिट है कि वायरसेस डू नॉट बिलोंग टू एनी किंगडम बिकॉज दे आर लाइफलेस अनटिल दे गेट अ होस्ट। नेक्स्ट है पेज नंबर 7 से एक्टिविटी थर्ड। तो पेज नंबर 7 पे हम एक्टिविटी थर्ड में देखते हैं, तो इसमें आपने इनके किंगडम्स राइट करने हैं, कुछ आपको एग्जाम्पल्स दी गई हैं। और उसके बाद हम देखते हैं पेज नंबर 12 पे है डी वन टू देख। पेज नंबर 12 पे देखिए D1 में है कि क्लासिफिकेशन को अपने अल्फाज में बयान करें, और 1 के बाद 2 किंगडम फंजाई को आपने डिस्क्राइब करना है, और D1 का आंसर पेज नंबर 2 पे है और D2 का आंसर पेज नंबर 4 पे है। तो आप किंगडम फंजाई में लिख सकते हैं कि किंगडम फंजाई जो है ना, ये यूनि सेलुलर है, मल्टी सेलुलर और फिलामेंटस हैं, और दे कांट प्रीपेयर देयर ओन फूड, दे लैक क्लोरोफिल, दे ग्रो इन मॉइस्ट एरियाज। इस तरह आप राइट करें। क्लासिफिकेशन को भी आप बता दें कि इट इज़ बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़ अमंग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, इट इज़ द डिफरेंट मेथड्स टू ग्रुपिंग द एनिमल्स प्लांट्स एंड डिफरेंट्स, ठीक है? इस तरह आप इसको मेंशन करेंगे। अब नेक्स्ट है E2 3। ई से हमने 2 और 3 क्वेश्चन लेना है। ई पे हमारे पास देखें क्वेश्चन नंबर 2nd और 3rd है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द किंगडम मोनीरा विद द किंगडम प्रोटिस्टा। तो आपने इन दोनों का कंपेरिजन करना है, तो आप इसको एक कॉलम बना के ऐसे सेंटर में लाइन लगाएं, एक तरफ किंगडम मोनीरा, एक तरफ किंगडम बैक्टीरिया, लिख के आप इसका आंसर मुकम्मल करेंगे। तो आपने इसको बुक से देख ले। अब नेक्स्ट है सपोज एन एनिमल इज इन डेंजर्ड इन योर लोकेलिटी, फाइंड आउट ह्यूमन एक्टिविटीज़ दैट आर अफेक्टिंग इट्स पॉपुलेशन, ऑल्सो सजेस्ट वेज टू प्रोटेक्ट इट। इनकी प्रोटेक्शन के कुछ तरीके लिखे हैं, कौन सी स्पीशीज़ हमारे एरियाज़ में इनडेंजर्ड हैं। तो इसका आंसर भी पेज नंबर 9 पे है जो आपको बताया गया था। तो आपने इसके कुछ मेथड्स लिखने हैं प्रोटेक्शन के। तो इसी तरह आपने अपने काम को अच्छे तरीके से मुकम्मल कर लेना है। बाकी हम आज हमने लेसन नंबर 1 कम्प्लीट कर लिया, तो कल हम 2nd लेसन स्टार्ट करेंगे। अपना ख्याल रखें। फी अमानिल्लाह।